हेलो दोस्तों, माय नेम इज आकाश। आज आपका भाई ना आपके लिए लाया टीयूवी, बड़ी स्पेशल कार है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी यार, बहुत सारे फीचर के बारे में बताने वाला। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, टॉप मॉडल, बहुत सारे फीचर के साथ, बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी, सेकंड हैंड ऑप्शन लेके आया हूँ। गाड़ी यार बहुत ही अल्टीमेट है। वीडियो अच्छी लगे ना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो भी मेरे भाई है ना, जो गाड़ी के बारे में, टीयूवी के बारे में कोई डिटेल चाहते हैं, जो भी मेरे ऐसे भाई जो टीयूवी सेकंड हैंड ऑप्शन में जाना चाहते हैं, टीयूवी ही खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन लेके आया हूँ। भाई फ्रंट से गाड़ी देखो यार, कितनी मतलब एकदम एग्रेसिव लुक के साथ आती है ये वाली गाड़ी, बहुत ही अल्टीमेट कंडीशन में है और ओरिजिनल पेंट में पूरी गाड़ी मिलेगी। यार अगर मैं फ्रंट की बात करूँ ना आपको, फ्रंट यार इस तरीके से देखो आप, ये देख रहे बुल टाइप की तरह से बिल्कुल एकदम लुक का आती है गाड़ी की। अगर मैं आपको हेडलाइट्स के बारे में बात करूँ तो यार हेडलाइट्स देख लो आप, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है गाड़ी। ड्रिल मतलब ग्रिल देख लो, ग्रिल के अंदर यार बीच वाला ये जो स्पेस है ये काफी बहुत ज्यादा महिंद्रा का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसको स्मोकिंग कहते हैं शायद, मतलब स्मोकिंग लाइट, मतलब गाड़ी में एक स्क्रैच नाम की चीज नहीं है। फॉग लैंप्स देख लो यार, फॉग लैंप्स मतलब कितने बड़े साइज के मिलते हैं इसमें आपको, देख रहे हो मतलब यार एक तो फॉग लैंप की लाइट हो गई ये वाली यार। यहाँ पे शेप देखो कितनी बड़ा शेप मिल जाता है आपको, यहाँ पे ऊपर वाली ग्रिल मैंने आपको बताई, नीचे की ग्रिल देखो, कुछ एकदम बल्की बल्की टाइप का सा लुक है यार गाड़ी का, बहुत ही अच्छी मतलब एकदम फील करा रही है कुछ गाड़ी सामने कुछ खड़ी है कोई। साइड प्रोफाइल के बारे में बात करूं अगर मैं आपको, तो भाई साइड प्रोफाइल देख रहे हो, मतलब अलॉय व्हील लगे हुए गाड़ी के अंदर, अपोलो के टायर्स मिलने वाले हैं, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। टायर देख लो यार, अलॉय व्हील देख लो यार आप, बहुत ही अच्छी कंडीशन में। अगर टायर साइज की बात करूँ ना मैं आपको, तो टायर साइज देख लो यार, 215/75 R15। तो साइड प्रोफाइल यार कुछ इस तरीके की आ जाती है, डोर हैंडल जैसी आप गाड़ी में बैठेंगे ना तो ये जो एक बार ये वाली फील आती है ना यार, ये कोई भी बच्चे होते हैं कुछ मतलब किसी को चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ नहीं, ये चीज यार बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मुझे एसयूवी गाड़ियों में, ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव चीज है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। स्क्रैचलेस गाड़ी है एकदम, कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू, पीछे के टायर्स वगैरह देख लो यार। अगर गाड़ी को अंदर से दिखाता हूँ यार मैं आपको, यहाँ पे ना आपको मतलब बोतल का स्पेस, इसके अलावा कोई और सामान भी रखना चाहते हो ना वो भी रख सकते हो, काफी मतलब ह्यूज स्पेस मिल रहा है आपको। और ये चीज देखो यार मतलब ड्यूअल टोन में मिल जाते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर है, यहाँ पे इस तरीके का कलर है और बिल्कुल भी हार्ड प्लास्टिक टाइप नहीं है, बहुत ही ठीक ठाक है यार, एकदम अच्छा लग रहा है। टीयूवी की बैजिंग आपको यहाँ पे भी मिलती है, इस तरीके कुछ इंटीरियर मिलेगा आपको। तो सीट्स के बारे में बता देता हूँ, मतलब यहाँ से आप करेंगे कंट्रोल, आप इस पूरे एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से इसको अगर आपको अपनी हाइट के एडजस्ट आगे पीछे करने हैं, एडजस्ट करने हैं, तो आप यहाँ से इसको पुश करके ऐसे कर सकते हैं, मतलब ORVM से आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप लाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 2017 मॉडल, एक भी स्क्रैच, एक भी वेल मेंटेन कंडीशन में रखी हुई है गाड़ी बिल्कुल। एयरबैग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ आपको ब्लूटूथ, आप अपना फोन डिवाइस वगैरह यहाँ से बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे स्विचेस मिल जाते हैं आपको, यार 4 पावर विंडोज यहाँ पे मिल जाती हैं आपको, और ये जो हैंड ब्रेक है ना इसके नीचे आप देखेंगे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आप अपने कॉइन्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। ट्रांसमिशन मैनुअल मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है आपको, आपको यहाँ पे USB का मिल जाता है, यहाँ पे भी कुछ स्पेस मिल जाता है। सेंटर कंसोल की बात करते हैं यार, 5 इंच डिस्प्ले मिल जाती है आपको, यहाँ से पूरा आप कंट्रोल एडजस्टमेंट यहाँ पे से कर सकते हैं, मतलब सारे स्विचेस आपको यहाँ पे दिए हुए। AC की बात करूँ अगर मैं आपको, बिल्कुल क्लाइमेट कंट्रोल AC यहाँ पे मिलता है आपको, काफ़ी मतलब बढ़िया ज़्यादा महिंद्रा की बात ये लगे यार। स्पेस एकदम भरपूर स्पेस दे रखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ कुछ रख सकते हैं आप अपना। और ग्लोव बॉक्स की बात करूँ तो ग्लोव बॉक्स देख लो यार, ग्लोव बॉक्स में कितना ज़्यादा स्पेस मिलता है। उसका ग्लोव बॉक्स है ना, उसकी जो डिज़ाइनिंग की है मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ है, ज़्यादातर मैंने देखा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर होता है तो डैशबोर्ड थोड़ा सा हमारे नीचे की तरफ ऐसे निकल के आता है ना वो बाहर को, तो उससे दिक्कत सी थोड़ा सा लगती है यार। यहाँ पे बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल बंदा बैठेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, AC का ब्लोअर आपको वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एयरबैग एक मैंने आपको दिखा चुका हूँ, और डे एंड नाइट शिफ्टिंग आपको IRVMs मिल जाते हैं। अगर यहाँ ऊपर देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर लाइट मिल जाती है आपको, आप यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ वैनिटी मिरर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर जो मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ मिरर ही मिलता है, कोई स्पेस वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। जो सीट है मेरी, ये सीट पे मैं बैठा हूँ, 5 फीट 8 इंच मेरी हाइट है। आर्म रेस्टर देखो यार, मतलब इस सीट पे बैठने वाले बंदे के लिए आर्म रेस्टर यहाँ पे मिल जाएगा, सेकंड पर्सन के लिए भी अवेलेबल है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाते हैं। अब हम आ गए हैं भाइयों पीछे, अब पीछे देख लो, पीछे की जो सीट है बिल्कुल वेल मेंटेन्ड, आप एक भी यार डाउट नहीं बता सकते कि मतलब गाड़ी में ये वाली प्रॉब्लम अगर आपको लग रही हो तो। अब पीछे की बात करूं मैं, सीट के पीछे भी काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, 2 बंदे आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ पे बैठने में। 7 सीटर गाड़ी, TUV महिंद्रा यार, हालांकि कंडीशन कुछ
अलग ही लुक आता है, एक इंप्रेशन पड़ता है टीयूवी का। 2017 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी, 9.5 लाख रुपए आस्किंग प्राइस है, 9.5 लाख रुपए। जो भी भाई इंटरेस्टेड है हमारे, बिल्कुल आए यार, गाड़ी को लेके जाए, नेगोशिएशन आप कर सकते हैं। आपको जो गाड़ी के ओनर हैं, कार ओनर हैं, उनकी डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बताना यार मुझे आपको गाड़ी कैसी लगी, मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है गाड़ी की, बिल्कुल फर्स्ट हैंड या टॉप क्लास कंडीशन है गाड़ी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।